मध्य प्रदेश के उज्जैन में फादर्स डे पर एक ऐसे पिता से मिलाएंगे जो 65 साल की उम्र में 10 साल के बच्चे से लेकर 84 साल के बुजुर्गों के पिता हैं। यह समाज सेवी सुधीर भाई गोयल हैं और दो देशों और 20 प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए पिता की भूमिका निभा रहे हैं। इनमें नेपाल और बांग्लादेश के साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू, केरल, दिल्ली, चेन्नई, आंध्र प्रदेश शामिल है। इन लोगों ने सभी सरकारी दस्तावेजों पर भी पिता का नाम सुधीर भाई गोयल दर्ज कराया है। सुधीर भाई एक समाज सेवी हैं और सेवा धाम आश्रम चलाते हैं। इस आश्रम में 850 लोग रहते हैं, जिसमें से 305 लोगों ने सुधीर भाई गोयल को अपना पिता माना है और अपने आधार कार्ड पर भी उन्हीं का नाम लिखवाया है। उज्जैन शहर से 20 किलोमीटर दूर अंबोदिया ग्राम के सेवाधाम आश्रम को संचालित करने वाले सुधीर भाई गोयल के आश्रम में 850 लोग रहते हैं। इनमें से 305 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आधार कार्ड में पिता के नाम के सामने सुधीर भाई का नाम अंकित कराया है। इसमें 10 साल के बच्चे से लेकर 84 साल का बुजुर्ग भी शामिल है। अच्छी बात यह है कि सुधीर भाई को सभी अपने पिता के रूप में ही देखते हैं और पिताजी कहकर ही संबोधित करते हैं। बताया जाता है कि सुधीर भाई गोयल एक बार उज्जैन में मदर टेरेसा से मिले थे, तभी से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सोचा कि जब विदेश से आई महिला अपना जीवन ऐसे लोगों को समर्पित कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। वर्ष 1989 में घर रखे जेवरात और अपनी जमा पूंजी से छोटी सी जमीन खरीद कर एक आश्रम की शुरुआत की। इसके बाद उनका परिवार बढ़ता चला गया। इस दौरान गोयल देश विदेश के तिरस्कृत दिव्यांग सड़कों से मिले महिला पुरुष को अपने आश्रम ले आए और सभी को अपने बच्चों की तरह दुलार दिया। आश्रम में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को रहने के लिए अलग अलग विंग बनाया। जब भी सुधीर भाई आश्रम के किसी विंग में जाते हैं तो उन्हें हर कोई पिताजी कहकर पुकारता है। गोयल ने करीब 300 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सेट बनवाया है। सुधीर भाई की एक इच्छा है कि मौत के बाद भी वे अपने बच्चों के साथ पिता बनकर ही रहें, इसलिए उन्होंने जिंदा रहते ही आश्रम में अपने अंतिम संस्कार की जगह तय कर दी है। यहीं पर वे अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना एक बड़ा फोटो पहले ही लगवा दिया है। इस स्थान पर उन्होंने लिखवा दिया है कि मैंने अपना अंतिम स्थान अंतिम अभिलाषा के साथ तय कर लिया है, ताकि मरने के बाद भी मैं यहाँ रहने वाली सभी की सेवा कर सकूँ। उनका कहना है कि मैं यहीं रहकर मौत के बाद भी पिता के रूप में अपने इस परिवार को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सुधीर भाई गोयल देश के शायद एकमात्र ऐसे समाज सेवी है जिन्होंने 84 साल के बुजुर्ग को भी अपना बेटा माना है। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई गोयल का कहना है कि बीते 35 सालों से मैं 3000 लोगों को उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कराया और 5000 से अधिक लोगों का पुनर्वास भी किया। इस कार्य में गोयल की पत्नी कांता और दोनों बेटी गौरी गोयल और मोनिका गोयल भी उनके इस काम में सहयोग कर रही हैं। सेवाधाम आश्रम का संचालन करने वाले सुधीर भाई गोयल बताते हैं कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से इस आश्रम की शुरुआत की थी। आज उनका परिवार बढ़कर 850 लोगों का हो गया है। सुधीर भाई पिता के रूप में शासकीय रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर मानव सेवा के अनूठे काम में करीब 35 साल सेवा कर रही हैं। अपना पूरा जीवन बेसहारा लोगों को समर्पित करने वाले सुधीर भाई गोयल का कहना है कि वे बच्चों के साथ रहकर सेवा करने के लिए भी कृत संकल्पित हैं, जिनके ना तो पिता का पता है और ना ही माँ का। उन सभी का मैं पिता हूँ और मुझे इस पर गर्व है। मेरे द्वारा 52 से अधिक बच्चों का पिता के रूप में कन्यादान किया गया है।